नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में चर्चा करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2019 का आयोजन किस महीने में किया जाएगा, इससे संबंधित कई अभ्यर्थियों ने सवाल पूछे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने जो भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया है उसमें बताया है कि मार्च माह में परीक्षा संभावित। तो क्या मार्च माह में परीक्षा का आयोजन होगा या परीक्षा अप्रैल माह में आयोजित की जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा तिथि की घोषणा कब होगी, एडमिट कार्ड कब जारी होगा और किस तारीख तक आपकी परीक्षा आयोजित की जा सकती है। कई अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि सर आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं, तो मैं आपसे अभ्यर्थियों से बताना चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा वाच नहीं करते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा वाच नहीं करेंगे तो आपका कमेंट स्पैम में चला जाता है, जिसके कारण मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर 3 मिनट का वीडियो है, अगर आप उसे 2.5 मिनट वाच नहीं करेंगे तो आपका कमेंट स्पैम में चला जाएगा, रिव्यू में चला जाएगा, जिसके कारण मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कमेंट भी डिलीट हो जाता है। तो आप वीडियो को पूरा वाच करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। अगर नहीं कर पाता हूं तो किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2019 की परीक्षा तिथि के संबंध में। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का आयोजन मार्च माह में नहीं होगा, इसकी पूर्ण संभावना है। 20 से 25 मार्च तक परीक्षा तिथि की घोषणा की जाएगी। 15 अप्रैल तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।